please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहने आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़े के जहाँ पे छोड़ा था और आज के मुद्दे शुक्रिया बहुत शुक्रिया साहब बहुत शुक्रिया जहाँ पे बातचीत के सिलसिले को छोड़ा था वहीं से एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुद्दा ये था कि सरसंघ चालक यानी आरएसएस के प्रमुख का ये बयान था कि कट्टर हिंदुत्व यानी कट्टर अहिंसा कट्टरता उदारता के लिए है। दुनिया भी अच्छी बातों को तभी मानती है जब उसके पीछे कोई शक्ति खड़ी होती है। जी मैं रूप चौधरी जी को खड़ा करना चाहूँगा। 2017 का उनका एक बयान और है, उन्होंने कहा था भारत में मुस्लिम भी हिंदू हैं, हमें किसी से कोई बयान नहीं, हम सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी को जोड़ने का सूत्र हिंदुत्व है। वसुदेव कुटुंबक के ये भारत ही कहता है और ये देश अगर आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो हमारे सरसंघचालक हैं उन्होंने अगर जो कल बोला है वो पूरा उनका भाषण सुनना चाहिए। उन्होंने पूरे देश के लिए कहा, उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए कहा, राष्ट्र के प्रेम के लिए, उन्होंने ये भी कहा कट्टर ईमानदार भी होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। कट्टरता का अर्थ ये नहीं है, उन्होंने कहा कि चरित्र के लिए कहा कि कट्टर ब्रह्मचर्य होना चाहिए और उन्होंने हर विषय पे बोला है। उनकी पूरे आपका कहने का जोड़ने का जो सूत्र है वो हिंदुत्व है। देखिए हिंदुत्व कोई आप अभी कह रहे हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू पद्धति है और पूरे जो भी देश में हिंदुस्तान से हिंदू बना है, पूरे देश के हिंदू जितने हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सब हिंदू हैं। धर्म सनातन है, हिंदू धर्म नहीं है कोई भी, सनातन धर्म है। जो हिंदू यहाँ अब किसी को बोलते कहाँ से आए हैं, पाकिस्तानी घुसपैठ हो गई है तो कोई जाति तो नहीं ले, तो कहते पाकिस्तानियों ने किया। ऐसी जो हिंदुस्तानी सब हिंदू हैं, इसमें कौन सी बात है? हिंदुस्तानी जो है हिंदू है। जी मैं आया बिल्कुल आया अजय जी, ऑफकोर्स ऑफकोर्स। देखिए फंडामेंटलिज्म हो कट्टरवाद हो ये अपने आप में मेरे नज़दीक कोई ऐसा शब्द नहीं है कि इस पर कोई आपत्ति हो। मैं एक फंडामेंटल मुस्लिम इसलिए हूँ चूँकि मैं तौहीद नमाज रोज़ा ज़कात इस पर यकीन रखता हूँ। हमारे यहाँ सिख भाई बैठे हैं खड़े हैं, ये अगर अपने केश कृपान कड़ा और इस पर यकीन रखते हैं अपनी पांच चीज़ों पे वो भी कट्टरवादी हो सकते हैं, फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं। मुद्दा यहाँ है कि संघ सरचालक या मोहन भागवत साहब हों या जो भी हों, हमारा कहना ये इसके साथ साथ धर्म के नाम पर क्या ओवैसी साहब हों जो भी सियासत कर रहे हैं, आप धर्म को राजनीति को जब तक इस देश में अलग अलग नहीं रखेंगे उस वक्त तक की कट्टरवाद जो है अगर आप मेरे तरीके तक है, मेरे तरीके तक मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो पगड़ी पहन रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि हर किसी को अपने रंग में रंग लूँ इसी जगह से कट्टरवाद शुरू नहीं होता बल्कि फिसाद शुरू होता है। मैंने उनको नहीं कह रहा, मैं उनको नहीं कह रहा, पहले सुन लीजिए पूरी बात। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो पिछलग्गू ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार इस तरीके की बयानबाजियाँ कर रही हैं, वाहिनियाँ हों या तो अलग अलग चीज़ें हों, उनको उनसे सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रतीक भाई हिंदुत्व हमेशा समरसता और शांति का प्रतीक है, ये शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, समरसता का भी इस्तेमाल किया है शब्द उन्होंने। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की बात करता है, लेकिन दुख तब होता है जब आरएसएस तो ये बात करती है और भागवत साहब ये बात करते हैं, हृदय से इस बात के लिए उनको हम धन्यवाद दें, तब देते जब उनकी वाहनियाँ जैसा कि अभी भाई ने कहा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लाठियाँ लेकर के और लोगों को पहलू खान बाकी लोगों के साथ जो बदतमीजियां कर रही है कहां से आई? आज इस देश में कौन आया, कौन आया? आज पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पे जिस तरह से बौखलाया है पूरा राज्य, पूरा देश राजनीत हो रही है। बौखलाए राजनीत मत करिए, देश में हिंदुत्व कट्टरता हिंदू कभी कट्टरता नहीं देती। आपने कट्टर हिंदू कहा, कट्टर हिंदू कभी नहीं होता। शाहरुख जी
कट्टर विरोधी क्या? किसी एक भी घटना में आरएसएस बसंत दल या आरएसएस का कोई भी एक आदमी मुझे बता दीजिए जिसने लाठी लेकर किसी को मारा हो। आप जो लोग मर रहे हैं, आप आज सोशल मीडिया उठाकर देखिए क्या 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 वो आ रही है और किस किस चीज को अभी किसी को नहीं मारा। जो हिंदू है वो किसी की हत्या कर कोर्ट के अंदर आपने भगवा झंडा लगा दिया। कौन लोग थे वो लोग जिन्होंने कोर्ट के अंदर भगवा झंडा लगाया? आप बात गलत करते हैं। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप आपका ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप गलत बात करते हैं। आप जब देश को हिंदू जब जिस देश में देश की बात की जाए तो ये छदम राष्ट्रवादी लोग देशद्रोही बनाते हैं। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, गोडसे वाले बांट रहे हैं सटीक विकेट गद्दारी का। प्रतीक जी इंतजार कीजिए अपनी अपनी बारी का। इंतजार पूछा जाए केरल में कम्युनिस्टों ने इनकी सरकार में क्या कर रहे हैं लोगों ने जिस तरह कतलेआम मचा रखा है विद्यालयों में जाकर अध्यापक सुनना सीखिए। वहाँ क्लास रूम में एक अध्यापक की हत्या कर दी 50 बच्चों के सामने केरल में। वहाँ कोई कहने वाला नहीं है। होता क्या है कि आरोप लगाते हैं केवल भाई आरएसएस को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए। करता कोई है और अनावश्यक आरोप लगाया जाता है। अजय जी आ रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन जी। अभी एक और बयान उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा बिल्कुल नौजवान आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा नौजवान, तुम्हारा ही प्रोग्राम है। एक बयान अभी आया था उनका इससे पहले भी कि सभी समुदाय को उन्होंने आह्वान किया कि आइए संघ के साथ जुड़िए। सभी समुदाय का मतलब है कि हर धर्म के लोगों को कहा। और उन्होंने एक बात बनारस में याद दिलाई है कि जो ब्रिटिशर्स रहे हैं जिन्होंने तोड़ने की राजनीति करके आपको अलग कर दिया वो तो कम। अरे क्या बात कर रहे हैं आप देखिए मैं नहीं टोकता हूँ, जब तर्क की बात करूँ तो आप शांत रहा करिए। आप तर्क की बात, अरे आप तर्क की बात किया कीजिए। जब उन्होंने ये बात कही तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब उन्होंने कहा आरएसएस की बात होगी, ये देश सबका है, एक व्यक्ति की बात नहीं होगी क्या? आरएसएस अगर भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, सभी धर्मों को समूरी में लाने की बात कर रहा है। आपकी बात अच्छी है, आपकी बात अच्छी है कि अगर नवीन मैं वही बात, आपकी बात अच्छी है जी। जब आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई भी अच्छी बात कही जाए तो खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, इसमें कोई नहीं, बिल्कुल। लेकिन कट्टरता वाले शब्द पर, कट्टरता के शब्द पे लोगों को इतराज है। उन्होंने आपने बयान को देखिए, बिना रेडिकल हुए कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। बिना रेडिकल हुए कोई काम कर ही नहीं सकता। रेडिकल कैसे होगा उसकी भी परिभाषा है। आपको रेडिकल होनी चाहिए उदारता के साथ, बार बार कर उदारता के साथ। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हिंदू शांति का प्रतीक है, सद्भाव और प्रेम बांटने वाला है। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता प्रतीक जी। जो कट्टर है वो हिंदू नहीं है। मैं आ रहा नौजवान आ रहा। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, भागवत जी हो या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, मेरा सीधा यासिर हाँ, या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो, कम्युनिस्ट हो, आरएसएस कोई भी हो, मेरा कहना यह है कि देश संविधान से चलता है, बिल्कुल। और उस संघ संचालक कुछ भी कहें, ओवैसी साहब कुछ भी कहें, मैं कुछ भी कहूँ, एक तरफ हम कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, बहुत सौ को एतराज होगा, बहुत सौ को नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे खालसा पंथ ने या अकाल तख्त ने बाकायदा रेजुलेशन पास करके कहा कि हम भारतीय हैं, हम इसलिए उस अपने आप को उस आर्टिकल से नहीं जोड़ते हैं, हमने कभी एतराज़ करा, एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संविधान, एक मिनट सुन लीजिए, हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है। मैं मोहन भागवत जी के बयान को अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेता। हर वो आदमी जो अपने धर्म का पाबंद है कट्टर होगा, लेकिन मैं उनसे एक और बात कहता हूँ, काश इसके अंदर वो ये भी कह देते ये जो कट्टरवाद की तरह जो नीरव मोदी भाग रहा है, ये जो करप्शन कर रहे हैं, अगर दो शब्द वो कह देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। क्या बात करते हैं, ये सरकार पिछली सरकारें घोटाले करके चली जाए और जब पकड़ रहे तो कष्ट हो रहा है। अभी तो और ही भागने वाले, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इस घोटाले में कांग्रेस सरकार ने सिस्टम को खराब करके लोगों को लोन दिया। आज आप कह रहे हो भाग जाओ तो हम तुम्हें पकड़ने वाले, तुम भाग रहे हो हमको नहीं पकड़े, भाग रहे हो, हम इस देश के किसी घोटाले वाले को नहीं बख्शेंगे। तशरीफ रखिए। बात कहाँ हो रही थी, बात निकली आके नीरव पे, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, वो नहीं, क्योंकि आज मुद्दा है नहीं, वो भागने भगाने का मुद्दा नहीं है आज। मैं आ रहा हूँ जी, नौजवान कुछ कहना चाह रहा है जी। सर कट्टरवाद तो बिल्कुल अलग होना चाहिए धर्म और राजनीति से, कट्टरवाद तो बनता ही नहीं है। कोई भगवान ने जो नेचर बनाया हमारा, जो खून दिया है उसमें कट्टरवाद डाला था क्या? भगवान से पूछो जाके उन्होंने कुछ डाला तो मैं खून में बता दो कौन सा मुस्लिम है कौन सा हिंदू है। उन्होंने ये गारंटी नहीं दी कि कौन नीचे जाएगा, कौन क्या काम करेगा। ये हिंदू मुस्लिम हमले बांटे हैं,
हमारे देश ने बांटा है। किसने बांटा है इसको? नहीं सर, हिंदू मुस्लिम किसने बांटा है? 70 साल हिंदुस्तान में आपकी सरकार जातिवाद और धर्म के नाम पर देश को बांट दिया। हिंदुस्तान के हिंदुओं को सर इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ कभी राम का नाम नहीं लिया गया है, हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सर, हर कंट्री में 10 साल की वो होती है एक सरकार, यहाँ साले 70 साल हमारे हिंदुओं को सिर्फ इस्तेमाल। देखिए डिबेट हो रही है, हिंदू कट्टर क्यों है? हिंदू कट्टर कहाँ है? जब श्रीनगर में बाढ़ आती है, जब कश्मीर में बाढ़ आती है तो कौन जाता है? स्वयं सेवक जाते हैं। मैं स्वयं सेवक नहीं, कट्टर है नहीं, ये बात कहीं कहा कि कट्टर होना चाहिए? नहीं, नेताओं ने जितने मुस्लिम नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कट्टर शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? ओवैसी साहब क्यों बार बार बोलते हैं? सर सुनिए पूरी बात, क्यों बोलते हैं कि हम बचाएंगे अपने धर्म को? अरे धर्म को बचाने के लिए सब एग्री हैं, पर स्वयं सवाल ये था कि आखिर कट्टर होना जरूरी है या नहीं, यही सवाल था। जरूरी नहीं है रूप जी, कभी भी कट्टरता, हिंदुत्व कभी भी कट्टर होने की बात ही नहीं करता। हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, जो जो पूजा नहीं करता वो भी हिंदू है, हिंदू मुसलमान। देखिए बात यह है, ये सरकार जो है ना जी, पिछली सरकारों के मुकाबले में ये काम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन सुन लो, ये काम अच्छे कर रहे हैं, इनकी नीयत साफ है, लेकिन ये जो इधर उधर के बयान है जो मुट्ठी भर लोग कर देते हैं, मोहन भागवत जी ने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, उन्होंने कट्टर हिंसा की भी कही, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत भी कर देते हैं बातों को, मुट्ठी भर लोग, वो सुधर जाए और इनको काम करने दें और ये अच्छा काम कर रहे हैं। काम आप कुछ अच्छे काम गिनवा सकते हैं? आप बताइए, आप अच्छे काम गिनवाइए, मैं बुरे काम गिनवाता हूँ। अगर आप सरकार की बात पे आ रहे हैं, आप सरकार की बात पे कर रहे हैं, अरे आपने जीएसटी लगा के डीमोनेटाइजेशन, आपने पैसा सारे बैंकों में रखवा के और वहाँ से लोगों को भगा दिया कि तुम पैसा लो भाग जाओ। आप किसी ने नहीं भगा, नहीं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। ललित मोदी किसने भगा? सवाल ये है, ये क्लियर होना चाहिए था, ये सर ये क्लियर होना चाहिए था, ये बयान जो है मौलाना बयान जो था वो समाज के लिए था, सरकार के लिए नहीं था। तो बहस जो है समाज के ऊपर हो रही है, तो समाज के लिए होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां, एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ मां। माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे परछाई। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। दरअसल बहस कहीं भी हो, मकसद सिर्फ एक कि समाज में समरसता यानी बराबर के हिस्सेदारी हो, बराबर का प्रेम सौहार्द हो, ये कैसे बने, कहां से बने। जी मैंने, मुझे मालूम है बहस जहां तीखी होती है, जहां तीखी, मुझे मालूम है सवाल भी आप लोगों के, आप दोनों लोगों के, मैं तीनों लोगों के पास आऊंगा। रूप चौधरी जी सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल है, तो शब्द कट्टरता का जो इस्तेमाल हुआ उस पर लोगों को एतराज था। प्रतीक भाई मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कट्टर देशभक्त होना बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। क्या कट्टर ईमानदार होना, कट्टरता को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ, क्या कट्टर ईमानदार होना बुरी बात है? क्या कट्टर समाज सेवक होना बुरी बात है? क्या कट्टर गरीबों का संरक्षण उनको देना, उनकी मदद करना बुरी बात है? क्या कट्टरता समाज सेवा के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए वो सोच होना कट्टर, कि मुझे सबके लिए काम करना है, सबका विकास करना, क्या वो मुझे बोले
यार हिंदू मुसलमान की उन्होंने एक शब्द भी कल ऐसा बोला ही उन्होंने विषय नहीं 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 आप सुनिए आप अभी अपना मानसिक विकास करिए अभी थोड़ा हुआ नहीं उन्होंने कल ऐसा बोला नहीं उन्होंने सारे देश को करना चाहिए गायब हो गया आप लोग करना चाहिए कहीं नहीं बचे आपने पूरे देश गायब हो गया 52 वर्षों तक देश के झंडे को तो नहीं नहीं आप करते हैं देश को उन्होंने अगर इन वर्ष तक देश के झंडे को सुनिए जिसने देश के झंडे को नहीं माना देशभक्ति 52 वर्ष तक देश 52 वर्ष तक नागपुर में झंडा नहीं 52 वर्ष तक नहीं गलत मेरा कहना यह है कट्टरवाद क्या है धर्म के नाम पर कट्टरवाद यह है कि आप कश्मीर घाटी से पंडितों को निकाल दें धर्मवाद कट्टरवाद यह है कि आप जुनैद को अखलाक को अफरोज को सड़क पे मार दें ऐसे कट्टरवाद की देश को कोई जरूरत नहीं है हमारा कहना यह है सुन लीजिए हमारा कहना है देश फिर मैं कह रहा हूँ वो ये अरे सुनिए आप बिल्कुल कह रहे हैं वो आप दो शब्द आज तक आपने कहे मैं तो कह रहा हूँ कश्मीरी पंडितों की निंदा मैं भी करता हूँ क्यों निकाले गए आप कहते हैं कि अफरोज को जो मारा गया जुनैद को जो मारा गया अखलाक को जो मारा गया दलितों के साथ जो आप बात आप क्या बात करते हैं आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं और उसी गुजरात समाजवादी सुनिए पिछले 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 दिनों समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इन्होंने अखलाक भी हम पे झोंक दिया कि उसकी भी अरे भाई साहब हम जहाँ भी हमारे लिए सुनिए हमारे लिए अपराधी अपराधी है जो हमें आपसे सीखने की जरूरत देखिए अभी मौलाना साहब ने बात जो कही है कि जुनैद को मारा गया वो बिल्कुल गलत बात है जुनैद कहाँ मारा गया आप जुनैद कहाँ मारा गया आपने अरे आपने कही है देखिए गलत बात नहीं और देखिए कट्टरता की बात इन्होंने पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं धर्म से कट्टर हूँ मैं समाज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कट्टर हैं अब आपको मैं एक बयान बताता हूँ अभी जनरल विपिन रावत साहब का एक बयान आया था AIUDF असम में घुसपैठियों और पाकिस्तान की मदद को लेके लोगों की सोच बदल गई थी एकदम अगर आप भारत के बारे में सोचते हैं आप भारत के लिए दिन रात एक करते हैं तो उस वक्त आप लोग क्यों खामोश हो जाते हैं क्या बदरुद्दीन अजमल घुसपैठियों को मदद नहीं करते हैं क्या बदरुद्दीन अजमल घुसपैठियों को मदद नहीं करते हैं क्या यह AIUDF जैसी पार्टी वहाँ पाकिस्तानियों से मदद नहीं ले रही है ये बताइए अरे क्या बात कर रहे हैं ये सच्चाई जनरल विपिन रावत को आप इग्नोर कर रहे हैं जनरल विपिन रावत मतलब ये अगर आप सेना अध्यक्ष को अगर सेना अध्यक्ष के बयान क्या बात कर रहे हैं अरे हम हमारी आत्मा का विषय है शांति का विषय है नौजवान खड़ा पीछे मैं आना चाहता हूँ मैं आ रहा हूँ हाँ मैं मेरा सवाल है ये यासिर जी से सवाल यासिर जिलानी साहब का सवाल ये है कि सबसे पहले आप अपना स्टैंड साफ कर दीजिए कि आप किनकी नुमाइंदगी करते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की या RSS और BJP की क्योंकि उनके प्रवक्ता उनके नेता यहाँ पे रहते हैं फिर आप सर उनसे पहले आप क्यों बोलते हैं हमें इसकी आपत्ति है सर आपसे जब पहले उनके लोग नहीं ठीक है सर हम राष्ट्रवाद की नुमाइंदी करते हैं राष्ट्र के निर्माण की नुमाइंदी करते हैं भारत के निर्माण की बात करते हैं भारत की अखंडता की बात करते हैं राष्ट्रवाद अंधी राष्ट्रवाद देश को तोड़ने वाली राष्ट्रवाद देश को बर्बाद करने वाली राष्ट्रवाद ये राष्ट्रवाद भारत के टुकड़े होंगे ये राष्ट्रवाद नहीं है कश्मीर नहीं 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 तशरीफ रखिए बोलाना तशरीफ रखिए यार जी एक मिनट नौजवानों के कुछ हाथ हैं मैं आऊंगा बेटा तुम्हारे पास आऊंगा जरूर आऊंगा मुझे पीछे से बहुत देर से बोल रहा हाँ। प्रतीक जी हाँ? मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि जो यूपी में शिक्षा की बात चल रही थी अभी सर ने बताया कि पेपर शिक्षा हाँ। तो सर वहाँ पर अरे निकल गया मुद्दा गया सर वहाँ पर लोगों के मन में एक भाव बन गया था हाँ। कि हम अपना एडमिशन करवा लें उसके बाद पास तो हो ही जाएंगे यूपी में हाँ। जितने भी लोग थे मैं खुद पेपर देने गया था जब 12th का आपको बता दें वहाँ पर बहुत से लोग थे जिनकी कॉपी पहले से लिख के आ गई भैया वो बैठे हैं लेकिन आज बस इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा योगी जी को कम से कम हुआ अभी हो रहा है नकल लेकिन बहुत कम हो गया कम से कम लाखों लोग ने पेपर छोड़ दिया इस डर से ये उस जमाने में क्यों नहीं हुआ जब पूर्व शिक्षा मंत्री की डिग्री पर सवाल उठता था काश योगी जी उस वक्त होते तो हमारी शिक्षा मंत्री की डिग्री पर सवाल न उठता मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की डिग्री पर सवाल उठा था भैया जो जमीनी हकीकत है मैं वो आप बता रहा हूँ जो जनता के साथ हुआ तो वो मैं बता रहा हूँ शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वो पता नहीं ठीक है बेटा तुम्हारी बात सही है जयश्री भाई सर
मेरा सवाल यह है कि अभी सर एक मिनट यासिर, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तब कहाँ सो रहे थे मुलायम सिंह? आपके सरकार थी, केरल में समसेवक मारे जाते हैं तब कहाँ सोते हैं आप उस वक्त सो जाते हैं, अभी आप जग गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए हिंदुस्तान के जो लोग हैं। कासगंज से बाहर झगड़ा नहीं जाने दिया, ये कासगंज से बाहर झगड़ा नहीं जाने दिया योगी ने, यह है ईमानदार आदमी। पहली बार यूपी को ईमानदार आदमी सीएम मिला जी, पहली बार ईमानदार आदमी सीएम मिला। ये नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स में करो टुकड़ों के अंदर, पहले कासगंज में ऐसा है। मैं देखिए, सीधा मुद्दा ये है, मैं अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही भाई, भागवत जी ने जो अच्छी बातें को उनको अपनाओ ना, लेकिन सवाल ये है कि उसके साथ साथ ये कहते चुनाव के इस वर्ष के अंदर काश वो ये दो शब्द भी कह दें कि भारत का नौजवान जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो ये आवाज़ें लगा रहे हैं रोजगार के लिए, ये जो आवाज़ें लगा रहे हैं कारोबार के लिए, ये जो आवाज़ें लगा रहे हैं सेना के लिए, ये जो ये पूछ रहे हैं वो कौन सा कट्टरवाद था जो सेना पे पत्थर बरसाने वाले लड़कों को आज़ाद करवा देता है, वो कौन सा कट्टरवाद है, वो कौन सी राष्ट्रीयता है जो महबूबा मुफ्ती कहती है रोजगार सरकार ने दिया लगातार दे रही है। जब रोजगार की बात करते हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लाखों करोड़ का, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हो रहा है रोजगार। मैं आ रहा हूँ मौलाना। अभी यासिर जी ने कहा कि वो ये आरएसएस जो मोहब्बत की बात करती है तो मुझे हंसी आ गई थी। लाइव डिबेट शो में राकेश सिन्हा ने कहा कि सिर्फ 15 सेकंड में इस देश के मुसलमान को खत्म कर दूंगा, उस पर अभी तक केस नहीं, अभी तक एक भी केस नहीं, वो जेल नहीं गए। अखबार उस पर अखबार दिनों में आरएसएस झूठ बोल रहे हैं, वो आरोप आरोप है। आप कहीं जो जवाब दे दो, आप ठेकेदार होंगे। ओवैसी के भाई ने 15 मिनट में हिंदुस्तान के हिंदुओं को खत्म करने की बात कही थी ओवैसी के भाई ने, तब ये नौजवान ये भटके हुए नौजवान। अकबरुद्दीन का आयत सुनो, अकबरुद्दीन का बयान भ्रष्टा लायक तो वो जेल भी गया है। हमारा कहना है कि राकेश जी ने अगर बयान दिया है जेल भेजने की हिम्मत नहीं बोला ऐसा, नहीं झूठ बोलते मन गणन आरोप है, झूठ ये झूठ आरोप है, कहीं कभी नहीं बोला झूठ आरोप, झूठा पर किसी ने हमले सुना टीवी में और राकेश सिन्हा ने, मैं राकेश सिन्हा पे बहस नहीं हो रही है, राकेश सिन्हा पे बहस नहीं हो रही है जी। मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, कहाँ से आई है आप? बिहार से। तो कुछ तो फायदा तो हुआ ही नहीं, यहाँ बहस तो वहाँ हो गई, बिहार में कहाँ से हैं आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हिंदू अच्छा है ना मुसलमान अच्छा है, इंसान अच्छा होता है, इंसान बन के रहिए। अरे आपके तो ना गोड़ पकड़ लेने चाहिए पैर, कसम से यही हिंदुस्तान है असली जो फुटपाथ पे मिलता। क्या नाम है आपका? रूबी झा जी कहती है ना हिंदू अच्छा ना मुसलमान अच्छा, इंसान अच्छा होता है। पकड़ लीजिए पैर, बजा दीजिए आप। आज मस्त रहना भैया जी कहना।